तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे हुंडई i20 के बारे में, जो कि आज ही कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और इंदौर शहर के अंदर हुंडई सुरजीत के ऊपर इसको जो है लॉन्च किया जा चुका है। तो दोस्तों एयरपोर्ट के पास में हुंडई का जो शोरूम है वहाँ से मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इसकी खूबसूरती, साथ ही i20 जो नई वाली है इसके अंदर आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी चाबियों के बारे में। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की दो चाबियाँ मिलती हैं, रिमोट की हैं ये, जिसके अंदर आपको चार बटन मिलते हैं। यहाँ पर मिलेगा एक लॉक करने का और दूसरा है अनलॉक करने का, तीसरा है यहीं से आप अपने बूट को भी ओपन कर सकते हैं। आप इसको दो बार प्रेस करेंगे तो आपका जो बूट है पीछे की साइड में वो ऑटोमेटिकली चाबी के द्वारा ओपन हो जाता है। साथ ही दोस्तों नीचे मिलता है एक हॉर्न वाला बटन, अगर आपकी गाड़ी कहीं भीड़ भड़के में पार्क की हुई है तो आप इस बटन को अगर कुछ समय के लिए प्रेस करते हैं तो इस तरह से गाड़ी जो है वो साउंड करती है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर पार्क की गई है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की। यहाँ पर देख सकते हैं कई खूबसूरत कलर्स के साथ में कंपनी ने अपनी गाड़ियों को लॉन्च किया है। फिलहाल हमारे सामने जो ये है रेड कलर, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर बड़ा सारा जो है यहाँ पर हुंडई का लोगो मिलेगा क्रोम फिनिश के साथ में, और ये यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी सारी जो है इसके अंदर ग्रिल की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं आपको इनको पास से दिखाऊँ तो ये जो है ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी शाइन कर रही है। और दूसरा दोस्तों नीचे की साइड में भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल ये जो है रेडिएटर की जो ग्रिल है इसको भी ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये तो था इसका फ्रंट लुक। बात करें दोस्तों अगर हम इसके लाइटनिंग सिस्टम की तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी स्टाइलिश इसके जो है बीच में जो है यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह मिलते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एस्ट्रा वेरियंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको इसके अंदर डुअरल्स मिलते हैं वाइट कलर के, काफ़ी खूबसूरत है। साथ ही आपको मिलेंगे वाइट यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और नीचे जो है आपको यहाँ पर इसके जो है फॉग लैम्प वगैरह भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर भी आपको कुछ ग्लॉसी फिनिश देखने के लिए मिलती है और काफ़ी खूबसूरत कलर्स के साथ में काफ़ी खूबसूरत लाइटनिंग सिस्टम के साथ में अपनी i20 को लॉन्च किया है हुंडई कंपनी ने। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का ओवरलुक दिखा देता हूँ, यानी कि चारों ही तरफ से हम आपको गाड़ी को घूम करके दिखा देते हैं। तो इस तरह की हमें सामने से दिखती है हुंडई i20, और इस तरह अगर हम साइड में चलें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है हमें साइड के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन इसके टायर मिलेंगे। 16 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एस्ट्रा वेरिएंट के अंदर। इसके अंदर अगर हम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 195x55 सेक्शन का यहाँ पर आपको 16 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। आगे मिलते हैं आपको डिस्क ब्रेक और पीछे मिलेंगे ड्रम ब्रेक। आगे मिलेगा मैक प्रोसन स्टर सस्पेंशन और पीछे मिलेगा आपको कपल टॉर्शन बीम सस्पेंशन आपको पीछे की साइड में मिल जाएगा। तो दोस्तों साइड से हमें कुछ इस तरह की दिखती है i20। जहाँ पर हम इसके ORVMs की बात करें तो आपको ORVM के ऊपर यहाँ पर जो है इंडिकेटर मिलते हैं काफ़ी खूबसूरत, और ये जो है आपको ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ में आते हैं। आप इनको जो है अंदर से बैठे बैठे ही इलेक्ट्रिकली इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इसकी साइड प्रोफाइल, साथ ही आपको यहाँ पर कंपनी फिटेड जो है क्रोम लाइन दिखाई देगी यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक, जो कि आपको अलग से फिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो साइड प्रोफाइल की और खूबसूरती की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लंबाई चौड़ाई की डिटेल आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देगी। अगर हम पास चल के देखें यहाँ पर गाड़ी के तो यहाँ पर आपको जो है कुछ क्रीजिंग दिखाई देगी यहाँ पर, ये क्रीजिंग जो है इसके लुक को काफ़ी बेहतरीन करती हैं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको जो डोर हैंडल वगैरह है वो क्रोम फिनिश के साथ में मिलते हैं। साथ ही काफ़ी स्टाइलिश आपको जो है ये डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरती से के साथ में इनको यहाँ पर दिया गया है। सामने की साइड में हमारे बैठे हुए हैं पाजी, और अब बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ की। यहाँ पर आपको इसके अंदर 37 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके अंदर आपको ये जो फ्यूल कैप है इसको आप वन टाइम प्रेस करेंगे इस तरह से तो ये जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ये था इसका पेट्रोल टैंक, जिसके अंदर आप लगभग 37 जो है लीटर का पेट्रोल फिल कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पीछे की लुक की। हम टॉप एंड वेरियंट की बात कर रहे हैं एस्ट्रा वेरियंट की, तो यहाँ पर आपको जो है पीछे की साइड में रियर वाइपर भी मिलेगा, डिफॉगर भी मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर आपको सार फिन जो है इसका रेडियो एंटीना भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी को आप इंदौर के अगर आसपास से मुझे देख रहे हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं सुरजीत हुंडई इंदौर में, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों हम पीछे की लुक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की गाड़ी हमें पीछे से कुछ दिखाई देती है, i20 सुरजीत यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और एस्ट्रा ये वेरियंट है जिसकी ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है क्रोम फिनिश के साथ में। यहाँ पर दोस्तों आपको जेड टाइप के जो है इसके टेल लैंप्स मिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, जो कि एक यूनिक यहाँ पर आपको टेल लैंप्स दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है क्रोम के साथ में एक जो स्ट्रिप दी गई है, जो कि दोनों ही इंडिकेटर्स को यहाँ पर पूरा का पूरा ये कम्प्लीटली मैच करती है, यानी कि जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती है हुंडई i20 कुछ ऊपर से अगर हम लुक की बात करें। फिलहाल दोस्तों हम पेट्रोल वेरियंट की बात कर रहे हैं एस्ट्रा की, जहाँ पर आपको सनरूफ नहीं मिलता है,
इसकी डीजल वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाता है, जिसका वीडियो मैं आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। चलिए दोस्तों, इसके बूट को भी हम ओपन कर लेते हैं। आप चाबी के माध्यम से बटन दबा करके इसको रिलीज कर लेंगे और फिर उसके बाद में आप इसको ओपन कर सकते हैं। 311 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है और उसी के नीचे यहाँ पर आपको जो है आपका स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। अगर हम स्पेयर व्हील की साइज़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है इसका साइज़ मिलेगा लगभग 15 इंची का। यहाँ पर यानी कि 1 इंच आपको यहाँ पर छोटा टायर मिल जाता है। बाकी टायर मिलेंगे आपको 16 इंची के और 1 इंच छोटा आपको यहाँ पर इसका बूट स्पेस के अंदर टायर मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है बूट लैंप भी मिल जाता है, जो कि नाइट के समय में काफ़ी हेल्पफुल होता है सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर आप अपना पॉलीथिन वगैरह रख सकते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है पीछे की साइड में भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है, जो कि आपके म्यूजिक का आनंद बढ़ाता है। बात करते हैं यहाँ की, यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे वगैरह मिली जाती है इस वेरियंट के अंदर। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर का हाल भी आपको बताई देते हैं कि हुंडई i20 आपको अंदर से कैसी मिलती है। तो रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, कीलेस एंट्री मिलेगी, कुछ इस तरह से आपको करना है डोर को ओपन। और यहाँ पर जब हम डोर को ओपन कर लेते हैं तो आपको सारे के सारे जो ऑल फोर पावर विंडोज के सारे कंट्रोल स्विचेज यहाँ पर मिलते हैं। आप ड्राइवर साइड के जो ग्लास है इसको आप वन टच फंक्शन के साथ में डाउन कर सकते हैं और वन टच के साथ में ही आप इसको अप भी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मिलती है एंटी पिंच फैसिलिटी। अब दोस्तों, बाकी अगर कनेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ORVM के एडजस्टमेंट के कनेक्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत जो है इसका यहाँ पर आपको हैंडल भी दिखाई देता है। ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में आपको इसका जो है ये मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटा सा जो है ट्विटर दिया गया है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्विटर का डिज़ाइन तो बना है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ट्विटर मिलना ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको बोस के यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर एम्बिएंट लाइट के साथ साथ यहाँ पर आपको पानी की बोतल रखने के लिए जगह मिलती है और यहाँ पर आप अपने पेपर्स वगैरह को कुछ रख सकते हैं। और तो गाड़ी के अंदर हम देख लेते हैं, हमारे बॉस बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रियस सर। काफ़ी बेहतरीन इनकी कदकाठी है और काफ़ी बेहतरीन इनके फिगर है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इनकी इतनी अच्छी खासी जो है बॉडी होने के बावजूद जो है ये यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पर लेग स्पेस मिलता है। और नीचे की साइड में यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, जो कि नाइट के समय में काफ़ी खूबसूरत लगती है। बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की, जहाँ पर आपको आगे पीछे रिक्लाइन और हाइट एडजस्ट करने का, इस तरह के आपको तीनों ही प्रकार के, मतलब आप 6 तरह के डायरेक्शन में आप अपनी सीट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था सीटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पे सबसे पहली जो निगाह जाती है हमारी, वो जाती है इसके स्टीयरिंग के ऊपर। यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन के साथ में आने वाला ये जो है टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ही प्रोविज़न के साथ में आपको यहाँ पर स्टीयरिंग मिलता है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में हम बात करने के लिए चलेंगे गाड़ी के अंदर। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको कुछ हेडलाइट की लेवलिंग के कंट्रोल स्विचेज हैं। यहाँ पर आपको व्यू कैमरा यानी कि पीछे की साइड का भी जो है आनंद, मतलब पीछे की रोड के ऊपर भी आप निगाह रख सकते हैं इस बटन को दबा करके। साथ ही दोस्तों, एस्टा वेरिएंट के अंदर आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप करने का मिलता है स्विच, यानी कि आपको बटन फैसिलिटी के साथ में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये है इसका एसी का कुछ कंट्रोल। अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आपको इसकी सीट्स के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बकेट टाइप की सीट मिलेंगी, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में है, ब्लैक कलर का पूरा गाड़ी का इंटीरियर है, मेरे ख्याल से ब्लैक नहीं है। दूसरा, आपको ग्रेज कलर भी अंदर देखने के लिए मिलेगा टॉप वगैरह पे। और यहाँ पर जो है आपको एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन इसकी सीट है, काफ़ी कम्फर्टेबल। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर। तो जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो दोस्तों, हमें काफ़ी बेहतरीन एहसास होता है गाड़ी के अंदर। हम अपनी सीट हाइट वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और अब हम दिखाते हैं आपको गाड़ी के अंदर का पूरा फीचर्स और इसके व्यू। तो दोस्तों, ये तो था इसका स्टीयरिंग, आपने देख ही लिया। और यहाँ पर जो है इसके डैशबोर्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ा सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है, जिसके ऊपर आपको तमाम सारी चीज़ें एक बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर दिखाई देती हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, आपको स्पीडोमीटर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड दी गई है 220 km/h की। मेरे ख्याल से इतनी स्पीड पर तो कोई गाड़ी नहीं चलाता होगा। और यहाँ पर दोस्तों, आपको इस साइड में मिलता है इसका टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर। बीच में मिलेगा आपको फ्यूल इकोनॉमी है, एवरेज है, करंट में कितना एवरेज दे रही है गाड़ी, बाहर का कितना टेम्परेचर है, और तमाम सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मैं डोर को अनलॉक करता हूँ तो डोर की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर शो होती है। तो दोस्तों, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, मैं फ्री टाइम के अंदर एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा तमाम सारे फीचर्स के बारे में। फिलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ मोटा मोटा कि इस तरह की आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से शो होती हैं। तो स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पर फ़ोन पिक ड्रॉप करने का और साथ ही वॉइस कमांड है, मोड वगैरह सेलेक्ट करने का यहाँ पर आपको बटन वगैरह मिल जाते हैं, और जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में। फिलहाल हम इसको कर देते हैं थोड़ा बंद, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं वन टच फंक्शन के साथ में। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल और मिल जाता तो आई थिंक ये बेहतर होता। आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो है क्रूज़
फंक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है अपने डिस्प्ले की यानी कि इसके जो है सारे के सारे यहाँ से आप कंट्रोल मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है और बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे सामने की साइड में तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जो है टॉगल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का इसका स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड काफ़ी बेहतरीन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जहाँ पर आपको तमाम सारी चीज़ें इस 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ से जो है रेडियो है, नेविगेशन है, मैप है, वॉल्यूम है, अप डाउन है, तमाम सारी चीज़ों को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि अगर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो मेरे ख्याल से आधे घंटे का आपको यहाँ पर इसका वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आप सेटअप वगैरह करने के स्विचेज वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तमाम सारी चीज़ें हैं, साउंड है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, डिवाइस कनेक्शन है, और आप अपने साउंड सिस्टम के डायरेक्शंस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का काफ़ी बड़ा सारा हमें इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई देता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ की, यहाँ पर आपको काफ़ी स्टाइलिश जो है इसके एसी के वेंट मिलते हैं, जो कि ये हैं आप देख सकते हैं इस तरह के एसी के वेंट हैं। बीच में मिलेगा हजार्ड लाइट का स्विच, स्टाइलिश एयर का एसी मिलेगा जिसके अंदर आपको ऑटो एसी मिल रहा है। इसका लोअर जो टेम्परेचर है वो है 70 डिग्री सेल्सियस, और काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर आपको इसके बटन्स मिलते हैं। यानी कि आप इसको इस तरह से करते हैं तो आपकी फ़ैन स्पीड बढ़ेगी, आप इसको यहाँ वाले बटन को अगर इस तरह से करते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ बटन और मिल जाते हैं जिससे आप अपने ऑटो एसी को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल को चार्ज करने की फैसिलिटी वायरलेस माध्यम से भी मिलती है। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पर रखिएगा और आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर यूएसबी कनेक्ट करने का प्रोविज़न है, 12 वोल्ट का एक अलग से पावर सॉकेट है जिसके अंदर आप अपना सिगरेट लाइटर ये ऐसी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर भी यूएसबी के द्वारा अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों तमाम सारे फीचर्स से भरपूर है नई i20। और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको ग्लोबॉक्स मिलता है काफ़ी बड़ा सारा, जिसके अंदर आपको कूल फैसिलिटी मिलती है। यानी कि आप यहाँ पर अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को रखे करें, आप अपने उनका ठंडे होने का एहसास और उनका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है ओवरऑल। और यहाँ पर ये जो गाड़ी है फिलहाल जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, ये है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आने वाली। आने वाले समय में दोस्तों इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी का भी मैं रिव्यू बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तो कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर इसका गियर शिफ्ट लीवर मिलता है काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको चाबी वगैरह रखने के लिए जगह है या पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए जगह मिली जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर मिलती है आर्म रेस्ट, जो कि ड्राइविंग के समय पर अगर आपको थकावट होती है तो यहाँ पर आप अपना हेड को मतलब हैंड को जो है आराम दे सकते हैं। आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं आगे पीछे। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ऊपर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगी रीडिंग लाइट येलो कलर की, यहाँ पर अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। और को पैसेंजर साइड में आपको यहाँ पर मिलता है वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड के लिए वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा टिकट होल्डर। तो दोस्तों ये थे इसके सनवाइजर। अब बात करते हैं हम इसके IRVM और उसके खास फीचर्स की। IRVM दोस्तों आपको डे नाइट ऑटोमेटिकली तो नहीं, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको तीन फीचर्स मिलते हैं, तीन बटन मिलेंगे। सबसे पहला बटन बी जिस पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ब्लू लिंक, यानी कि टेलीमेटिक्स के द्वारा अगर आप किसी ट्रेवल में हैं कभी भी तो आप इस बटन को एक बार पुश कर देंगे तो जहां पर भी होगा इंडिया के अंदर तमाम सारी जगह पर हुंडई की जो भी सर्विस सेंटर है या कॉल सेंटर है वहाँ पर इसका ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। यानी कि इसका जो कॉल है कभी भी बिजी नहीं आता है, आपको जैसे ही बटन को प्रेस किया तो इमीडिएटली आपको रेस्पॉन्स मिलेगा हुंडई की तरफ से। साथ ही दोस्तों बीच में एक बटन मिलता है ट्रक जैसे निशान वाला, जिसका मतलब होता है कि रोड साइड असिस्टेंस, अगर आपकी गाड़ी किसी ट्रबल में है तो आपको वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही आपको मिलता है SOS बटन, जिसका मतलब यह है कि आप अपने निकटी जो सगे संबंधी हैं उनके 4-5 लोगों के अगर आप नाम यहां पर फीड करके रखते हैं तो अगर आप जो है किसी भी ट्रबल की कंडीशन में हैं और आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो उन लोगों के पास में आपका इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका टेलीमेटिक्स सिस्टम। अब हम चलेंगे गाड़ी के पीछे और पीछे का स्पेस भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पर आपको वही हैंडल मिलेंगे काफ़ी स्टाइलिश। डोर को हम करते हैं ओपन, डोर के ऊपर आपको काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इसके अंदर पीछे की साइड में नहीं मिलती हैं, आपको आगे ही मिलेंगी, पीछे आपको नहीं मिलेंगी। साथ ही दोस्तों काफ़ी स्टाइलिश आपको यहाँ पर जो है पावर विंडो का स्विच मिलेगा और इस तरह का आपको यहाँ पर जो है ये सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको स्पीकर मिलेंगे, यानी कि चारों डोर के ऊपर आपको बॉस कंपनी के जो है स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। और गाड़ी की जो पीछे वाली सीट है दोस्तों, उसका इंटीरियर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पर मैं पाजी से रिक्वेस्ट करूँगा सर बैठ के बताइएगा कितनी स्पेस है। देख सकते हैं दोस्तों दो लोग काफ़ी
कद काठी वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी यहाँ पर इतनी अच्छी खासी स्पेस हमें देखने के लिए मिल रही है। यानी कि अगर मैं भी जाके बैठूंगा तो 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही लेग स्पेस वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक है, और पीछे के जो लोग हैं उनके कम्फर्ट के लिए यहाँ पर आपको रियर में जो है AC वेंट भी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल को भी चार्ज करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोविज़न आपको यहाँ पर मिलता है रखने का, और नीचे आपको USB कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का था इसका पीछे का लुक। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पीछे की सीट की फोल्ड होने की, तो यहाँ पर आप इसको 100% जो है फोल्ड कर सकते हैं। और हमारे पाजी देखो किस तरह से आराम कर रहे हैं, मतलब कि पूरे रेस्ट कर रहे हैं, मतलब सीट का जो एंगल है, सीटिंग एंगल जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही अगर हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी ठीक ठाक है। सर के ऊपर के अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी काफ़ी ठीक ठाक है, और लेग स्पेस, नी रूम वगैरह यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। बात कर लेते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की। गाड़ी का बोनट हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है खोलने के बाद में। यहाँ पर आपको काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी मजबूत जो है यहाँ पर रिबिंग वगैरह दी गई है, जिससे कि गाड़ी का जो है ये बोनट एरिया काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पर आपको 1197 CC का यानी कि 1.2 लीटर का आपको यहाँ पर पेट्रोल इंजन है। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर मैं इसका जो डीजल वेरियंट आता है उसका भी रिव्यू आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। फिलहाल अगर हम इस इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो पावर मिलने वाली है इस इंजन के साथ में, वो मिलेगी 81.86 BHP की, और 114.74 Nm का टॉर्क मिल जाता है आपको इस इंजन के साथ में। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन ये इंजन है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए बैटरी मिल जाती है। और नई जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों BS6, उनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका अगर हम एग्जॉस्ट अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह है इसका एग्जॉस्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंसर है और कैटलिटिक कन्वर्टर ऐसी चीज़ों को लगाया गया है, जिससे कि जो BS6 के पॉल्यूशन मानक हैं उनको मीट किया जा सके। दोस्तों, अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग 21 यानी कि 21 किलोमीटर तक का माइलेज कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसका प्रैक्टिकली बात करें तो लगभग आपको 19.5 से लेकर के 20 तक का माइलेज आराम से हाईवेज के ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होंगी। अब मैं चलते चलते आपको इसकी प्राइसिंग भी बता देता हूं। इंदौर शहर में इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है लगभग 9,91,000 रुपये के आसपास, यानी कि 9,91,000 के आसपास इसके ऑन रोड प्राइसेस हैं। आपके शहर में थोड़े प्राइसेस वेरी कर सकते हैं, क्योंकि RTO वगैरह है या इंश्योरेंस वगैरह के चार्जेस को मिलाकर के प्राइसेस थोड़े वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर देना, और चाहें तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करिएगा। आने वाले समय के अंदर मैं आपको हुंडई i20 के तमाम सारे जो वेरियंट हैं उनके हर वेरियंट का आपको रिव्यू लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा रिव्यू। मैं लेता हूँ आपसे विदा, और बस आज के लिए इतना। फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।